घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा में आज से कुछ दिन पूर्व आशापुर के पास दो बाइक सवार ग्राम कोटवार की बाइक फिसलने से रोड पर गिर पड़ी। एक्सीडेंट में मौजी राम के सिर और हाथ पैर में चोट आई, लेकिन ग्राम कोटवार नर्मदा प्रसाद के सीने की स्क्रीन फट जाने से दिल फड़फड़ाते हुए दिख रहा था। इस घटना की खबर जैसे ही मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री कुंवर विजय शाह को लगी, उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में फोन कर उनके आने से पहले तमाम तैयारियां करवाई। स्वयं मंत्री जी ने उपस्थित होकर बाहर आए दिल को ऑपरेशन के माध्यम से अंदर करवाया। हालत गंभीर होते देख इंदौर के वरिष्ठ डॉक्टरों से चर्चा कर इंदौर भिजवाया। उनके पहुंचने से पहले विभागीय पदाधिकारी को अस्पताल में व्यवस्था हेतु भिजवाया, जिससे कि ब्लड और इलाज के लिए पैसे की कमी ना हो। शाह जी ने डॉक्टर से चर्चा कर कहा कि हर हाल में मेरे कोटवार की जान बचना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री पहली ऐसी शख्सियत है जिन्होंने विगत कुछ दिनों पहले ही कोटवारों के जीवन में कैसे खुशियां आई, कैसे उनके जीवन स्तर को ऊपर लाया जा सकता है, इस बात की चिंता कर हरसूद विधानसभा के कोटवारों का स्वागत और सम्मान किया। उनकी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक भिजवाया है। कुछ ग्राम कोटवारों को मछली पालन हेतु तालाब भी स्वीकृत किए हैं, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके। डॉक्टर विजय शाह जी कोटवारों की जिंदगी में बदलाव के बारे में चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि गांव का कोटवार राजा महाराजा मुगल शासनकाल से अपनी सेवा देते आ रहा है। समय बदलता गया, लेकिन कोटवारों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। इसी बदलाव का संकल्प लिए डॉक्टर कुंवर विजय शाह निरंतर प्रयासरत है कि आने वाले समय में जरूर कोटवारों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आएंगे। आज उनकी मानवता की मिसाल को जिले के सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि आज ग्राम कोटवार नर्मदा प्रसाद को माननीय मंत्री जी ने नया जीवनदान दिया है। आज इंदौर हॉस्पिटल पहुंचकर कोटवार नर्मदा प्रसाद से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिया गया कि इनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। 32,000 रुपए की नकद राशि मंत्री जी द्वारा कोटवार को प्रदान की गई और आयुष्मान योजना से इलाज हेतु 5,00,000 की राशि स्वीकृत कराई गई। आप सभी की दुआओं से, दादाजी महाराज की कृपा से जल्द स्वस्थ होकर ग्राम कोटवार नर्मदा प्रसाद हमारे बीच होंगे। सर कराया बाकायदा एक नया जीवन दिया, किस तरह की मानसिकता? देखिए, हम इसमें अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में हमें इंसान बनाया और इंसान ने, भाजपा ने हमको विधायक और मंत्री पद जनता ने दिया। और प्रजातंत्र में अच्छा नेता वही है, समाज सेवक वही है जो गरीबों को आने वाली तकलीफों को दुख दर्द के रूप में दूर करे, पूरा जीवन लगाए। 32 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, 7 बार चुनाव जीता हूँ और लोगों ने, यही कारण है कि हम कोई एहसान नहीं करते, हम केवल फ़र्ज निभाते हैं। जब कल रात को मुझे मालूम पड़ा कि हमारा आशापुर का एक कोटवार जिसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और रोड पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, उसका दिल भी दिख रहा है, खून बह रहा है और उसकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, फौरन हमने एम्बुलेंस भिजवा कर जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल जब तक वो आता उसके पहले हमने जिला अस्पताल में फ़ोन लगाया, सारी यहाँ तैयारी करी, यहाँ उसको ऑपरेशन करके उसके बाहर आगे दिल को अंदर डाला और तत्काल जब उसे इंदौर भिजवाए, इंदौर में भेजने के पहले जितने बड़े डॉक्टर्स थे सारे डॉक्टरों से मेरी बात हुई कि मेरा ये गरीब आदमी, हमारा हरिजन कोटवार, ये आ रहा है, मेरा पड़ोसी भी है और ये मरना नहीं चाहिए, वरना मैं आ रहा हूँ। मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने पैसे लेकर वहाँ भिजवाए रात को 2:30 बजे कि कोई तकलीफ हो, MRI के बहाने, किसी के बहाने, उसके ब्लड ग्रुप हमने चेक कराया, सारा ब्लड ग्रुप हमने इंदौर में व्यवस्था करवाई कि किसी भी कीमत में हमारा वो कोटवार मरना नहीं चाहिए। आज मुझे आपको बतलाते हुए अभी खुशी है कि अभी तक हम उसकी जान बचाने में कामयाब हुए हैं दादाजी के आशीर्वाद से, और दादाजी से ये प्रार्थना करते हैं कि उस हमारे गरीब व्यक्ति की, कोटवार की जान बचे, वो जल्दी स्वस्थ होकर के वापस आए
इलाज में पैसे की कमी नहीं आएगी। सरकार के मंत्री के नाते भी और मेरा पड़ोसी के नाते भी और मेरे विधानसभा का मतदाता होने के नाते भी मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है कि मैं उसकी रक्षा करने में जो कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। और ये लगातार हम करते आए हैं, इसलिए हमने किसी को बतलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। आज पहली बार आपको हम बतला रहे हैं कि हमने क्या किया। मैं समझता हूँ कि जो बतलाता है वो अपने आप में घमंड उसमें आ जाता है, कोई घमंड हम में ना आए। हम जो कर रहे हैं कोई एहसान नहीं कर रहे, किसी का जीवन बचाना हमारी मानवता है, हमारा धर्म है, उसका हम पालन ईमानदारी से करें, यही दादाजी से प्रार्थना है।